हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल हिंदुस्तानी और मेरे यूट्यूब चैनल साहिल हिंदुस्तानी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई एक नई गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ और इसे मैंने शीर्षक दिया है पढ़ ले मुझे, और ये कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। पढ़ ले मुझे तू किसी किताब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, पढ़ ले मुझे तू किसी किताब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, चुरा न ले ये जहान तेरी खूबसूरती, चुरा न ले ये जहान तेरी खूबसूरती, ओढ़ ले मुझे तू नकाब की तरह, ओढ़ ले तू मुझे नकाब की तरह, पढ़ ले मुझे तू किसी किताब की तरह। सादगी में तू बैठी लगती किसी शमशीर की तरह, सादगी में बैठी तू लगती किसी शमशीर की तरह, जख्मी मुझको कर दी है तू आलमगीर की तरह। आलमगीर यानी कि दुनिया को जीतने वाला या आलम को जीतने वाला। तो ये कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। सादगी में तू बैठी लगती है किसी शमशीर की तरह, जख्मी मुझको करती है तू फकीर की तरह, दे दे अपनी उल्फत मुझको जानम, दे दे अपनी उल्फत जानम, मांगता हूँ मैं इसको फकीर की तरह, मांगता हूँ मैं इसको फकीर की तरह, पढ़ ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, छू ले मुझको तू किसी गुलाब की तरह, छूले मुझको तू किसी गुलाब की तरह। जिस्म तेरा ये मुझको लगता है एक मैखाने की तरह, जिस्म तेरा ये मुझको लगता है एक मैखाने की तरह, इसकी हर अदा सिर्फ मेरे लिए है पैमाने की तरह, इसकी हर अदा है सिर्फ मेरे लिए पैमाने की तरह, इतना सुरूर है इसमें फैला, इतना सुरूर है इसमें फैला, लगता है किसी खजाने की तरह, लगता है ये किसी खजाने की तरह, पढ़ ले मुझे तू किसी किताब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह। सोना तेरे आगे है, सोना यानी कि सोने चांदी वाला सोना। तो शुरू करते हैं। सोना तेरे आगे है धूल की तरह, उसने तुझको नीचे भेजा भूल की तरह, सोना तेरे आगे है धूल की तरह, उसने तुझको नीचे भेजा भूल की तरह, हर हसीना की आंखों में तू चुपती है शूल की तरह, हर हसीना की आंखों में तू चुपती है शूल की तरह, पढ़ ले मुझे किसी किताब की तरह, छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह, पुराब जिस्म ये तेरा लगता है आग की तरह, पुराब जिस्म यानी कि पूरी तरह भीगा हुआ, पुराब जिस्म ये तेरा लगता है मुझको आग की तरह, जलाकर इसमें तू करती है मुझको अपने भाग की तरह, जलाकर इसमें मुझको तू करती है अपने भाग की तरह, खद्दो खाल तेरे इतने हैं मुलायम, खद्दो खाल यानी कि जिस्म का उतार चढ़ाव, खद्दो खाल तेरे हैं इतने मुलायम,
लगते हैं ये किसी फूल है बाग की तरह। फूल ए बाग, यानी कि बाग का फूल या बाग के फूल। तो इसे फिर से पढ़ते हैं। पुराब जिस्म ये तेरा लगता है आग की तरह। पुराब जिस्म ये तेरा लगता है आग की तरह। जलाकर इसमें मुझको तू कर रही अपने भाग की तरह। खद्दो खाल तेरे इतने मुलायम। खद्दो खाल तेरे इतने मुलायम। लगते हैं ये किसी फूल है बाग की तरह। लगते हैं मुझको ये किसी फूल है बाग की तरह। पढ़ ले मुझको तू किसी किताब की तरह। छू ले मुझको तू किसी गुलाब की तरह। कायनात में कोई नहीं तुझ परी सूरत की तरह। परी सूरत आप सभी समझ गए होंगे, जिसकी सूरत परी की तरह हो। कायनात में कोई नहीं तुझ परी सूरत की तरह। तकदीर की पन्नों पर आ जा तू किसी इबारत की तरह। कायनात में कोई नहीं तुझ परी सूरत की तरह। तकदीर के पन्नों पे आ जा मेरी तू इबारत की तरह। इतना पाक नूर है तुझ में, इतना पाक नूर है तुझ में। पूछता हूँ तुझे मूरत की तरह। पूछता हूँ मैं तुझे मूरत की तरह। कोई नहीं इस जहां में तुझ परी सूरत की तरह। कोई नहीं है जहां में इस तुझ परी सूरत की तरह। तकदीर के पन्नों पे आ जा मेरी तू इबारत की तरह। इत्ता पाक नूर है तुझ में, पूछता हूँ मूरत की तरह। पढ़ ले मुझे तू किसी किताब की तरह। छू ले मुझे तू किसी गुलाब की तरह। चुरा न ले ये जहान तेरी खूबसूरती। ओढ़ ले मुझे किसी नकाब की तरह। ओढ़ ले मुझे तू नकाब की तरह। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी ये गज़ल अच्छी लगी होगी, आई होप। तो आपको ये कैसी लगी इसे आप लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक बात और, मेरी जो किताब आई थी जिसका शीर्षक था दिल के अनकहे ख्याल, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आप भी उसे खरीदेंगे, पढ़ेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो बुक आपको कैसी लगी। तो अभी तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।